Hello everyone, good morning. I hope you all are doing great. सुबह सुबह color, flowers, greenery देख के मेरा mood बहुत अच्छा हो जाता है. Also, research shows that spending time in fresh air, it increases your energy. Also, it boosts your immunity system. After dropping them, I go for a walk. About 15 to 20 minutes. पहले मैं जिम चली जाती थी बच्चों को ड्रॉप करने के बाद, लेकिन इस वक्त आई एम टेकिंग अ ब्रेक. सो आफ्टर रमदान इंशाल्लाह आई ज्वाइन अगेन. बट आई रियलाइज्ड कि ये जो फ्रेश एयर वॉक है, इट इज़ इवन बेटर देन इंडोर जिम. आज मुझे लॉन्ड्री फोल्ड करनी है, काफ़ी जमा हो गई है. लॉन्ड्री के लिए यहाँ पर टाइमिंग्स का हम लोग ख्याल रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रेट्स जो है वो टाइमिंग पे डिपेंड करते हैं. देर इज़ अ ऑन पीक रेट्स, देन मिड पीक रेट्स एंड देन ऑफ पीक. सो आई ट्राई टू डू ऑफ पीक में, जो कि है आफ्टर 7 PM और वीकेंड्स. तो देन आई ट्राई कि वीकेंड्स को मैं ज़्यादा काम अपने लिए जमा ना करूं, तो मैं ऑफ पीक यानी कि शाम को 7 बजे के बाद लॉन्ड्री की मशीन ऑन करती हूँ. आई ट्राई कि बच्चों को मैं अपने साथ फोल्डिंग में ज़रूर शामिल करूँ, लेकिन आजकल उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उनको छुट्टी मिल गई है. और पहले मैं सारे बंडल करती जाती हूँ एक साथ, और फिर एक एक करके इनके ड्रॉर्स में रखती जाती हूँ. लॉन्ड्री के लिए वाइट्स मैं अलग रखती हूँ, और वाइट्स के लिए अलग-अलग डे भी डेडिकेटेड होता है, और कलर्स के लिए तो 2-3 दिन कलर्स की लॉन्ड्री तो होती ही रहती है. आई ऑल्सो ट्राई कि जो इनके स्पोर्ट्स के सॉक्स होते हैं उनको मैं विनेगर और सोडा के साथ थोड़ी देर अबाउट हाफ एन आवर मैं उनको सोक करती हूँ, और देन रेगुलर वॉश में उनको वॉश हो जाते हैं वो. तो उससे उनके अंदर एक अच्छी फ्रेशनेस भी आती है और उनकी सारी डर्ट भी निकल जाती है. सो आई एम डन विथ माई लॉन्ड्री. अब मुझे स्विमिंग बैग पैक करना है, क्योंकि आज इनकी शाम को स्विमिंग क्लास है, और उसके लिए मैं कोशिश करती हूँ कि सब चीज़ें जो हैं वो एक जिप लॉक की बैग में ऑर्गेनाइज रखूँ. कपड़ों को अलग रखूँ और शैम्पू कंडीशनर्स को अलग, क्योंकि वो बहुत वहाँ पे पानी होता है तो कुछ चीज़ें जो हैं वो वेट होने का चांसेस बढ़ जाता है. एंड ऑल्सो आई ट्राई टू पुट लीव इन कंडीशनर बिफोर शी गोज़ टू स्विमिंग. एंड दिस इज़ अ रिपोर्ट कार्ड आई ऑलवेज़ कैरी, क्योंकि जो पुराने टीचर होते हैं उन्होंने ये बनाया होता है, और न्यू टीचर को एक्सप्लेन करना होता है कि वॉट शी नीड्स टू इम्प्रूव. ऑल्सो जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो मॉम के भी डेक के लिए अलग होते हैं, जो स्विमिंग पूल के बाहर डेक होता है वहाँ, तो मुझे वहाँ जाकर चेंज करने पड़ते हैं. मैं अक्सर भूल जाती हूँ, तो अब मैंने उसको परमानेंटली बैग में रख दिया है. एंड बच्चों के भी अलग से लेके जाने होते हैं. Then there's a towel, there's a hair dryer, a lotion, comb, swimming goggles, swimming cap. ये सारी चीज़ें मैं organize करके पहले से रख देती हूँ, ताकि जब हमें निकलना होता है तो उस पर बहुत रश हो जाता है. अक्सर छोटी छोटी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ, जैसे कि हेयर टाई हो गया, तो मैं पहले से ही कोशिश करती हूँ ऑर्गेनाइज कर दूँ सारी चीज़ें. आफ्टर स्विमिंग आई ट्राई टू अप्लाई सम ऑयल इन देयर हेयर, बिकॉज क्लोरीन की वजह से हेयर बहुत डैमेज हो जाता है. तो आई ट्राई टू पुट सम कैस्टर ऑयल. कैस्टर ऑयल काफ़ी थिक होता है, तो उससे मुझे लगता है बालों में थोड़ी सी चमक आती है. आई एम डन विथ माई बैग पैकिंग, और अब मैं जाऊंगी लंच की तैयारी के लिए. आज मैं बनाने लगी हूँ ग्रीन चिकन, इसे हम हरा मसाला चिकन कहते हैं. इसके लिए फ्रेश पुदीना, हरी मिर्चें और धनिया और अनियन, इसको मैंने एक पेस्ट बना ली है इसकी चटनी टाइप पे. और बोनलेस चिकन में 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये चटनी थोड़ी सी मैंने शामिल करके दही के साथ इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी. और फिर एक पैन में ऑयल लेके चॉप किया हुआ अनियन, यानी कि ऑमलेट की तरह चॉप किया हुआ अनियन, वो ऐड करूँगी, और थोड़ी सी ये पेस्ट भी ऐड करूँगी, और इसको ज़रा सा फ्राई करना होगा. ये चिकन जो है वो पराठों के साथ, पूरी के साथ, नान के साथ, हर चीज़ के साथ बहुत मज़े की लगती है. मैं आज इसको पराठों के साथ जिस तरह रोल बनता है इस तरह से सर्व करने वाली हूँ. और इस चिकन को आप चावलों के साथ भी ट्राई कर सकते हैं. साथ ही इसकी एक स्पेशल ग्रीन सैलड बनेगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी. उसके साथ इसका मज़ा दोबाला हो जाता है. अब इसमें चिकन ऐड करने वाली, इसको तकरीबन 1/2 आवर के लिए मैरिनेट किया,
और अब इसको मैं इसमें फ्राई करूँगी। थोड़ा सा जब ये फ्राई हो जाएगा तो इसमें सूखे मसाले यानी कि नमक और सूखा हरा धनिया वो डालूँगी, और फिर इसमें थोड़ा सा दही डालूँगी और इसी पानी में ये कुक होगी। इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं गलेगा, चटनी में भी पानी था और दही में भी पानी है, तो ये उसमें अच्छी खासी जो है वो कुक हो के सॉफ़्ट हो जाती है। साथ ही मैंने आलू के पराठे भी बनाए हैं, ये बच्चों को मैंने लंच में दिए थे, और अब हम जाने लगे हैं स्विमिंग के लिए। स्विमिंग बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इट इज़ एन एक्सेलेंट कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट, ऑल्सो इट प्रमोट्स हार्ट एंड लंग हेल्थ। जिन बच्चों को एस्थमा है उनके लिए डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं, और मैंने देखे अपनी फ्रेंड के बच्चों को, उन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है माशाल्लाह। ऑल्सो जब आप वेकेशन पे जाते हैं तो स्विमिंग इज़ द बेस्ट, क्या आप वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उनको सही तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। मेरे बच्चे पानी में बहुत खुश रहते हैं, इनको आप कहीं भी ले जाएं और पानी दे दें तो इट्स इनफ फॉर देम। क्लासेस इनकी मैंने हफ्ते में दो रखी हैं, क्योंकि एक क्लास मुझे लगा काफ़ी स्लो हो जाता है प्रोसेस, और देन आई ट्राई कि मैं अपने साथ भी इनको प्रैक्टिस के लिए ले जाया करूं। मैंने भी बच्चों के साथ साथ ही अपनी प्रैक्टिस इम्प्रूव की है। नाउ वी आर डन विद स्विमिंग, गोइंग बैक टू होम। आज काफ़ी लॉन्ग डे हो गया है, घर आके मैंने पराठे बना के उसमें इसकी फिलिंग की है। दिस सैलड इज़ लाइक क्यूकम्बर चॉप्ड, अनियन चॉप्ड, थोड़ा सा लेमन और मिंट चॉप्ड, इसको सबको मिक्स करके ये सालसा मैंने बनाया है। आई होप आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगली दफ़ा किसी और नए दिन किसी नई एक्टिविटी के साथ मैं फिर आऊँगी। ये जो चांद है ये रात को हमारे घर के बाहर से दिखता है, ये फुल मून था, चौदहवीं का चांद, और बहुत खूबसूरत लग रहा था। एंड गुड नाइट, बाय।